हेलो दोस्तों, अगर आप भी Xiaomi का A1 स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आ चुका है मई मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या फिर कब तक मिलेगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप भी समझ पाएँ कि अगर आप भी A1 यूज़र हैं तो आपको आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कितना जल्दी आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना है, क्योंकि इसको करने से आपके फ़ोन की स्मूथनेस बढ़ जाती है। तो आपको सेटिंग में जाना होता है, इसके बाद में आपको जाना होगा सिस्टम के अंदर में, इसके बाद आपको एडवांस्ड के अंदर जाना होगा, फिर यहाँ पर सिस्टम अपडेट एक मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपडेट दिख रहा है, मेम 2020 का अपडेट है, 76.13 MB का है। काफ़ी छोटा सा ये अपडेट है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है। आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए, इससे आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहती है और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। यहाँ पर दोस्तों, इस फ़ोन को तकरीबन मुझे 2.5 साल हो गए यूज़ करते हुए और यहाँ पर हर महीने आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल रहा है। वहीं पर जो Xiaomi के रिसेंट डिवाइसेस हैं, जैसे A3 सबसे लेटेस्ट इनका मॉडल है A सीरीज़ का, तो वहाँ पे भी आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल रहा है, बट काफ़ी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। जो यूज़र हैं A3 वाले, उनको प्रॉपर वो जो एंड्रॉयड 10 है वो चल नहीं रहा है, उनके फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखते हुए अगर हम बात करें मी A1 में, तो यहाँ पर आपको तो अपडेट मिलेगा बट ये थोड़ा सा डिले होगा। सबसे पहले वो A3 में पूरी तरह से रोल आउट करेंगे और जो बग है उसको फिक्स करेंगे A3 के अंदर में। इसके बाद में जो इनका सेकंड जनरेशन फ़ोन है A2, वहाँ पर आएगा एंड्रॉयड 10 और सबसे लास्ट में आएगा A1 में। तो ज़रूर आएगा एंड्रॉयड 10, इतना कन्फर्म हो चुका है, लेकिन इसको आने में भी टाइम है और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो इनका A3 है या फिर A2 है, वहाँ पर सबसे पहले वो लोग अपडेट देंगे, जो बग होगा उसको फिक्स करेंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पर आएगा मी A1 में। तो अगर आप अभी एंड्रॉयड 9 पर रन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको हर महीने सिक्योरिटी पैच अपडेट एटलीस्ट मिल ही रहा है। कोई दूसरी कंपनी दोस्तों इस तरह से अपडेट नहीं देती है, 2-2.5 साल पुराने फ़ोन में हर महीने आपको अपडेट नहीं मिलता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, बट यहाँ पर Xiaomi आपको दे रहा है, पर हर महीने आपको Xiaomi इस तरह से अपडेट प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो Xiaomi यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पर हर महीने आपको अपडेट मिल रहा है। तो ज़रूर आप अपने फ़ोन को अपडेट करिए, हर महीने अपडेट करिए, इससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस मेंटेन होके चलती है और फ़ोन की लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ज़रूर आप इसको अपडेट करिए। मैं दोस्तों इसको अपडेट करने के बाद आपसे मिलता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या कुछ यहाँ पर और प्रॉब्लम आई है अपडेट के बाद में, कुछ ड्रेन इशू है बैटरी का या फिर नेटवर्क इशू है, सब कुछ बताऊंगा ये अपडेट जैसे ही पूरी तरह से डाउनलोड हो जाता है। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम अपडेट का मैसेज मिल गया सक्सेसफुली, यहाँ पर जो अपडेट आया था वो इंस्टॉल हो चुका है फ़ोन के अंदर में। यहाँ पर मैं थोड़ी देर फ़ोन को दोस्तों यूज़ किया हूँ और यूज़ करने के बाद ये लगा है कि अभी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है, ना तो कोई बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम है, ना ही कुछ हैंग होने वाली प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अभी दोस्तों कुछ ही टाइम मैंने इसको भी यूज़ किया है, थोड़ा देर यूज़ करने के बाद में यही फील हुआ है कि फ़िलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस अपडेट के बाद में। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगती है तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। वैसे दोस्तों थोड़ा टाइम मैंने यूज़ किया और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं लगी है। एक दो दिन यूज़ करने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये एक सिस्टम अपडेट था इस वजह से। तो बस दोस्तों ये बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।